Students, keep in your mind the concept of set notation and let's start exercise 1B. Write the following sets in the tabular form. इस एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है टैबुलर फॉर्म में. क्वेश्चन को रीड करेंगे. यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, n इज अ सेट ऑफ एलिमेंट x सच डैट x इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास एक सेट है एन का जो हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है. उसमें कह रहे हैं कि इज़ अ काउंटिंग नंबर, कि काउंटिंग नंबर का सेट है लेस देन 6, जो 6 से छोटे हैं, 6 से स्मॉल काउंटिंग नंबर्स हैं, ये उनका सेट है. तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है? टेबुलर फॉर्म में हम पहले सेट का नेम लिखेंगे. कैपिटल एन इक्वल है, टेबुलर फॉर्म में हम कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं सेट को, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें हमने काउंटिंग नंबर लिखने हैं लेस देन 6. 6 से स्मॉल काउंटिंग नंबर्स कौन से आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5. अब हर एलिमेंट के बाद हम कॉमा लगा के इसको कंप्लीट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे. ये हमने टेबुलर फॉर्म में अपना आंसर लिख दिया. जो और हमें दिया किस फॉर्म में था? ये सेट बिल्डर फॉर्म में. हमने कन्वर्ट किस में करना था इसको? टेबुलर फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए इक्वल है, ए इज़ अ सेट ऑफ वाई, ए इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट वाई सच डैट वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. कि ये मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि वो नंबर्स जो 3 के टेबल में आ रहे हों या 3 पर डिवाइड हो रहे हों, उनका सेट आपने बनाना. इसको अगेन उसी तरह हम पहले सेट का नेम लिखेंगे. कैपिटल ए इक्वल है और कर्ली ब्रैकेट्स में आंसर लिखना है हमने. स्टार्ट की ब्रैकेट लगाई. अब हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 3 के टेबल्स में नंबर्स आते हैं या 3 पे डिवाइड होते हैं जो नंबर्स. अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे. 3 के टेबल में 3 आता है. 3, 6, 9, 3 4s are 12, 15, 16, 18. अब क्योंकि उन्होंने हमें कोई लिमिट नहीं बताई कि आपने कितने नंबर्स लिखने हैं 3 के टेबल्स में, वरना 3 का टेबल तो सो ऑन, 3 10s are 30 के बाद 3 11s are 33, 3 12s are 36, ये सो ऑन है. हमें नहीं पता कि कहाँ तक लिखना है, इसलिए हम 5 to 6 नंबर्स के बाद डॉट लगा देंगे. इस इन डॉट का मतलब है कि ये कॉन्टिन्यू है काउंटिंग, ये अभी ख़त्म नहीं हुई है. लेकिन हम थोड़े से सेट्स, थोड़े से नंबर्स लिख के फ्यू 5 नंबर्स या मैक्सिमम 6 नंबर के बाद हम ये डॉट लगा के क्लोज की ब्रैकेट लगा देंगे. इसका मतलब है कि ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है. अगर वो हमें, जैसे इन्होंने ऊपर बोला था हमें कि लेस देन 6 तक आपने लिखनी है, तो हमने 6 से लेस देन 6 में 5 तक आएंगे. कि आपने लेस देन 6 तक लिखनी है, यानी कि 6 से छोटे, तो हमने 5 तक लिख के इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट. बट यहाँ पे इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि आपने किस से लेस लिखनी है. सिर्फ उन्होंने बोला मल्टीपल ऑफ 3, डैट्स वाई मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर लिख के आगे डॉट्स लगा दी हैं. इसका मतलब है सो ऑन काउंटिंग कॉन्टिन्यू, और मैंने क्लोज वाली ब्रैकेट लगा दी और इसको मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट एन सच डैट